आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की ताजा हेडलाइंस के साथ। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में भी छात्राओं ने मारी बाजी। पहले और दूसरे स्थान पर समान अंकों के साथ दो दो छात्राओं ने लहराया अपने नाम का परचम। माहिका जैन और आरजी नारंग ने 99.6% अंक के साथ जिले में टॉप करने के साथ ही प्रदेश में भी किया नाम रोशन। बिजली निगम ने बिल जमा नहीं होने पर काटा स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन, 10 कॉलोनियों में अंधेरा। बिजली निगम ने कहा नगर निगम अपने नाम से ले कनेक्शन ताकि हुड्डा को ना भरने पड़े बिल। सेक्टर 29 थाना पुलिस ने ट्रक से शराब की बड़ी खेप की बरामद। ट्रक चालक लकड़ी के नीचे अंग्रेजी शराब की 550 पेटियां छुपाकर अवैध रूप से तस्करी के लिए लेकर जा रहा था राजस्थान। गांव झटीपुर के पास ट्रक परिचालक को बेहोश कर 3 बदमाश 2 मोबाइल व पर्स छीन कर हुए फरार। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की शुरू। शहर के अवैध निर्माणों पर अब जल्द चलेगा निगम का पीला पंजा। शहरी स्थानीय निकाय ने बिना देरी और लापरवाही के कार्रवाई के आदेश किए जारी। कावड़ यात्रा स्थगित होने पर बॉर्डर पर पुलिस ने की नाकेबंदी। पुलिस द्वारा चलाया गया सघन चेकिंग अभियान। पीने के पानी की मांग को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे गांव सीख के ग्रामीण। आइए अब नजर डाल लेते हैं कोरोना अपडेट्स पर। जिले में कोरोना कहर लगातार बढ़ता हुआ, आज फिर एक साथ 12 नए मामले आए सामने। बीते दिन 2 डॉक्टर समेत एक साथ 36 नए केस आए थे सामने। पिछले 3 महीने से कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बने सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड इंचार्ज डॉक्टर भी मिले कोरोना पॉजिटिव। पिछले 7 दिन के अंदर 180 नए मामले आ चुके सामने। बीते दिन 37 लोग कोरोना को मात देकर लौटे घर। जिले में एक युवती समेत अब तक 10 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।